हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आपका जो टॉपिक है वो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इससे पहले भी आप दो टॉपिक इसके पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन पढ़ी थी आपने बायोडायवर्सिटी की, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डाइवर्जन फैलाव कहाँ कहाँ तक है, तो हमने यहाँ पर इनकी डेफिनेशन देख ली थी। पैटर्न देख लिया था बायोडायवर्सिटी का, और जो रीजंस हैं कि क्यों हमें बायोडायवर्सिटी का, कैसे हैबिटेट लॉस हो रहा है, कैसे बायोडायवर्सिटी को हमको कंजर्व करना है, क्यों ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये यूज़फुल है, ये ह्यूमन बीइंग्स के अलावा सारे ऑर्गेनिज्म के लिए किस प्रकार से यूज़फुल है, नैरोली यूटिलेरियंस था कि ब्रॉडली यूटिलेरियंस था, कि एथिकल रीजंस के कारण। अब हमने कंजर्वेशन पार्ट में आते हैं, तो व्हाट इज डू मीन बाय कंजर्वेशन, कैसे बायोडायवर्सिटी को संरक्षित किया जाए, जैव विविधता को। तो जैव विविधता का जो संरक्षण था, हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण। ये जो कंजर्वेशन है तो क्या है यहां पर, कि जो यहां पर मैक्सिमम यूज कर सकते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, टोटल बायोस्फीयर का जो यूटिलाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। तो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए बायोस्फीयर का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, उस सीमा तक जब तक कि यहाँ पर बायोडायवर्सिटी का लॉस ना हो, और प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए बायोडायवर्सिटी क्या रहे, हमेशा कंजर्व रहे, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वेरियस मेथड्स बताए थे कि कंजर्वेशन किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर एक्स सीटू कंजर्वेशन था, इन सीटू था। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लें कि वाइज मैनेजमेंट, ठीक है, क्या है यहाँ पर जो वाइज मैनेजमेंट है, कि ह्यूमन यूज ऑफ बायोस्फीयर, वाइज मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ बायोस्फीयर सच एज, ऐसा वाइज मैनेजमेंट करना है हमें बायोस्फीयर का, कि इट में नीड, कि जो यहां पर हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके, विच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। तो वाइज मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ बायोस्फीयर विच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, इट इज अ सस्टेनेबल, इट इज ए लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल कंजर्वेशन। वाइज मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ बायोस्फीयर विच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर नेशन, इट इज ए लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल कंजर्वेशन। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंजर्वेशन एंड द एम ऑफ कंजर्वेशन। अब यहाँ पर एम के बाद हम आते हैं कि जो कंजर्वेशन प्रोसेस है वो कितनी तरह से किया गया। आप देखिए, जो कंजर्वेशन है यहाँ पर, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इट इज द इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसको कहते हैं सीटू को स्वस्थाने संरक्षण, स्वस्थाने संरक्षण, इसे कहते हैं यहां पर उत्स्थाने संरक्षण। स्वस्थाने संरक्षण का मतलब है द कंजर्वेशन एट, कंजर्वेशन एट नेचुरल हैबिटेट।
अपने प्राकृतिक आवास में अगर जीवों का संरक्षण किया जाए, दैट इज द इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर कंजर्वेशन अदर देन नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक आवास से हटा करके अगर संरक्षण किया जाता है, दैट इज द एक्स सीटू कंजर्वेशन। आप देखिए इन सीटू और एक्स सीटू, आपको पता है जो इन सीटू कंजर्वेशन है इसमें आता है दैट इज द हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, रामसर साइट्स, एटसेट्रा। एंड द एक्स सीटू कंजर्वेशन उत्त स्थानीय संरक्षण कंजर्वेशन अदर देन नेचुरल हैबिटेट, इसमें आता है आपका बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, इसके अलावा आपका हर्बेरियम भी हो सकता है, हर्बेरियम, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, एज वेल एज क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। दीज आर द वेरियस प्लेसेस ऑफ द एक्स सीटू कंजर्वेशन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक है। तो हमको दोनों पढ़ना है, एक्स सीटू कंजर्वेशन भी और इन सीटू कंजर्वेशन भी। पहले हम आते हैं किसमें, एक्स सीटू कंजर्वेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन, ओके। The methods of ex situ conservation. ठीक है, अब हम इसमें सीधे सीधे आते हैं ex situ में। पहला किसमें, zoological park, जूलॉजिकल पार्क, कंजर्वेशन ओनली फॉर फाना, केवल जंतुओं के लिए अगर कंजर्वेशन का विशिष्ट प्लेस जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन का, ओके, दैट इज कॉल्ड द जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। नेचुरल हैबिटेट में लेते हैं, जब नेशनल पार्क बनाते हैं, सेंचुरीज बनाते हैं, कई कई स्टेट्स को कवर करते हैं बॉर्डर वो, तो कहीं कहीं पर 100 स्क्वायर मील का, 200 का, 400 स्क्वायर मील तक हो सकता है। लेकिन जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, बॉटनिकल गार्डन होते हैं, इनका एरिया उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये जानवरों को, एनिमल्स को जो एंडेंजर्ड होने वाले हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, उन स्पीशीज़ को अपने नेचुरल हैबिटेट से हटा करके ऐसे प्लेस पर लाते हैं जहां पर वो उसको क्या दे सकते हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ऐसे जो प्लेस हैं यहां पर वो जूलॉजिकल पार्क कहलाते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क हों, बॉटनिकल गार्डन हों, इनका जो एरिया है वो इतना बड़ा नहीं होता, और उसके लिए यहां पर एरियाज के लिए जूलॉजिकल पार्क जो है, सबसे पहला जो जूलॉजिकल पार्क है, फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क
पार्क इज बीजिंग जू, ठीक है, कहां पर है, यहां पर चाइना में। इसके अलावा यहां पर ब्रोंक्स जू है, ब्रोंक्स जू पार्क कहां पर है, ये यूएसए में है। इसी तरह का एक और फेमस जूलॉज पार्क है सैन डियागो यूएसए में, सैन डियागो यूएसए में है। इट इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क, इट इज द बिगेस्ट। ये क्या फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क है, ये क्या बिगेस्ट जूलॉजिकल पार्क ऑफ वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। फिर इसके बाद हम आते हैं सैन डियागो के बाद, दोनों यूएसए के हो गए, यूएसए के बाद एक यहां पर अरिनगर अन्ना है चेन्नई का, अरिनगर अन्ना चेन्नई इंडिया, ठीक है। यह भी बहुत फेमस जूलॉजिकल पार्क है यहां का अरिनगर अन्ना, ये भी लार्जेस्ट इंडियन में। फिर इसका नंदन कानन है उड़ीसा में, लार्जेस्ट इन इंडिया नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। उड़ीसा, ठीक है। फिर इसके बाद नेशनल जूलॉजिकल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है। नेशनल के बाद एक मैसूर नेशनल पार्क है यहाँ पर, वो मैसूर में है, इंदिरा गांधी है, नेहरू है, मैसूर जूलॉजिकल पार्क। मैसूर, फिर इसके बाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क, ये हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, जो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पर वो विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम, ठीक है। दीज आर द वेरियस जूलॉजिकल पार्क ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। हम आते हैं यहाँ पर बॉटेनिकल पार्क में, एक्सीटू कंजर्वेशन में, जो कंजर्वेशन है ओनली फॉर द बॉटेनिकल पार्क, कंजर्वेशन ओनली फॉर फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। अगर केवल प्लांट्स का हम यहाँ पर कंजर्वेशन कर रहे हैं एक्सीटू कंजर्वेशन में, दैट इज कॉल्ड द बॉटेनिकल पार्क। अब जो बॉटेनिकल पार्क हैं, बहुत तरह के एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं प्लांट्स की, और थ्रेटेंड स्पीशीज हैं जो वास्तव में नष्ट होने वाली हैं या नष्ट होने के कगार पर हैं, उनको यहाँ पर क्या दिया है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो जो हमारा बॉटेनिकल गार्डन है या बॉटेनिकल पार्क है, उसमें जॉर्डन बोटेनिका है सबसे पहले, बोटेनिका, यह है रियो द जेनेरियो, रियो द जेनेरियो इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में है जॉर्डन बोटेनिका। ये जो बोटेनिकल पार्क है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स क्या किए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं या प्रोटेक्ट किए गए हैं चारों तरफ से। एक ब्रुकलिन है न्यूयॉर्क में, ब्रुकलिन बोटेनिकल गार्डन,
ठीक है, कहाँ पर है ये? न्यूयॉर्क, यूएसए। एक डेनवर पार्क है ब्रुकलिन के बाद, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर कि कोई हमारे मेन मेन जो पार्क हैं, तो डेनवर भी कोलोराडो में है, वो भी यूएसए में है। बॉटनिकल गार्डन कोलोराडो, यूएसए। इसके अलावा रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड में है। अब जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, रॉयल के नाम से दो हैं, एक तो यहाँ पर इंग्लैंड में है, दूसरा जो रॉयल है यहाँ पर वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। एक और है यहाँ रॉयल नहीं सॉरी रॉयल एक और है रॉयल बॉटनिकल गार्डन सिडनी, कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा यहाँ पर जॉर्डन हो गया, ब्रुकलिन हो गया, डेनवर हो गया, रॉयल हो गया। इंडिया में भी बहुत फेमस क्या है, बॉटनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, नेशनल है यहाँ पर इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में है, इंडिया। इसके अलावा नेशनल बॉटनिकल गार्डन है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है, यूपी, इंडिया। दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट बॉटनिकल पार्क या बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। तो आपने देखा जो एक्सीटू कंजर्वेशन हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने जूलॉजिकल पार्क देख लिया, बॉटनिकल गार्डन देख लिया। इसके अलावा हम क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर? एक्वेरियम। एक्वेरियम स्मॉल प्लेस होता है जहाँ पर हम यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन बट ए वेरी वेरी स्मॉल स्केल पर। इसके अलावा एक मेथड आपने पढ़ा है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन इज द लेटेस्ट मेथड फॉर कंजर्वेशन, कौन सा? एक्सीटू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन में हम यहां पर लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन, लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन। तो लो टेम्परेचर पर अगर हम यहाँ पर प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रायो प्रिजर्वेशन। अब लो टेम्परेचर पर यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन में हम प्लांट या एनिमल के जेनेटिक रिसोर्सेज को, जीनोम को, किसी भी फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में, उसके क्रोमोसोम के फॉर्म में यहाँ पर क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं, दैट इज द क्रायो प्रिजर्वेशन, एज वेल एज सीड बैंक। प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स इन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म में हमने उसको क्या कर लिया? प्रिजर्व कर दिया, और जब जरूरत होगी तब उस सीड का हम यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सीड बैंक। इसमें यहां पर जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन हो सकता है लो टेम्परेचर में, जर्म प्लाज्म प्रिजर्वेशन। अब सीड बैंक हो गया, इसके बाद एक आता है यहाँ पर टिश्यू कल्चर,
अगर आपको लग रहा है कि कोई प्लांट्स हैं उसका जो प्रिजर्वेशन है या जो कंजर्वेशन है वो थोड़ा टिपिकल हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर इज आल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोपोगेशन, इसका एक और नाम है, क्या कहते हैं इसको, माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या होगा यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर ये हमारा मदर प्लांट है, मदर प्लांट से हमने थोड़ा सा टिश्यू निकाल लिया है, क्या किया है, द सम पार्ट ऑफ टिश्यू आर सेल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम शूट टिप से हमने थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया टिश्यू का, सेल का, एंड कल्चर्ड इन किसमें, न्यूट्रिएंट मीडियम, पोषक माध्यम में हमने उसको प्रवेश किया, न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग एगार, उसमें एगार का सॉल्यूशन है, उसमें उसको क्या कर दिया, कल्चर कर दिया इन एसेप्टिक कंडीशंस। आफ्टर सम डेज क्या बनेगा यहाँ पर, ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ नोन एज कैलस इज ऑब्टेंड एंड बाय एडिशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, क्या मिला दिया हमने, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स मिला दिया, ऑक्सिन है, साइटोकाइन है, हार्मोन्स, प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड। इस तरीके से हमने कम समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा एसेप्टिक कंडीशन में जो प्लांट्स प्राप्त किए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। By this method, a lot of plants are produced in less time duration. बहुत कम समय में बहुत सारे plants produce किया सकते हैं, lot of healthy plants या germ free plants प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक, अब ये जो टिश्यू कल्चर की टेक्नोलॉजी है, इसमें हम जर्म फ्री प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, उसको आसानी से कल्चर कर सकते हैं ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। तो ऐसे प्लांट्स जो वास्तव में अपने नेचुरल हैबिटेट में डेवलप नहीं हो पा रहे, वहाँ से उनका जो है थोड़ा सा पार्ट हमने निकाल लिया टिश्यू सेल्स का, और अपनी लेबोरेटरी में हमने आइसोलेटेड करके जो है और न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर कर लिया। जब कल्चर करने के बाद जर्म फ्री प्लांट प्रोड्यूस हो गए, और यहाँ पर जो है एक्सिटू कंजर्वेशन में प्रोटेक्टेड एरियाज में, बॉटनिकल पार्क या बॉटनिकल गार्डन में उनको कल्चर करके उगाया, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे प्लांट्स जो वास्तव में एंडेंजर्ड की श्रेणी में हैं उनको हम कंजर्व कर सकते हैं वाया दिस मेथड कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, तो प्लांट्स के लिए था, एनिमल्स के लिए भी टेक्नोलॉजी है।
कौन सी टेक्नोलॉजी है एनिमल के लिए, यहां पर इन विट्रो। इन विट्रो टेक्नोलॉजी या इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो कल्चर माने आउटसाइड द बॉडी। प्लांट्स के लिए भी यूज होता है, एनिमल के लिए भी यूज होता है। तो यहां पर इन विट्रो कल्चर अगर करना है हमको, तो बॉडी के बाहर, सपोज करिए एनिमल के लिए है, तो उसमें हमको यहां पर जो भी गैमेट्स हैं मेल और फीमेल, वो बॉडी के बाहर ला करके उनका फ्यूजन करा देना है और जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। और जायगोट फॉर्मेशन को अपनी सुविधा अनुसार कल्चर करा करके डेवलप कर सकते हैं मेल एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज इन विट्रो कल्चर। ठीक है, तो ये भी यहां पर इट इज आल्सो ए यूनिक मेथड टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना को, ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसको कंजर्व करने का बहुत एक स्पेशल तरीका है, मेथड है, दैट इज कॉल्ड द इन विट्रो कल्चर। अब अभी आप बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन पढ़ रहे थे, उसमें तो कंजर्वेशन में हमने देख लिया कि एक्स सीटू कंजर्वेशन में बॉटनिकल गार्डन्स आते हैं, जूलॉजिकल पार्क आते हैं, जीन बैंक आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, टिश्यू कल्चर आता है, हर्बेरियम आता है, इन विट्रो कल्चर आता है। इतने मेथड्स पढ़ने के बाद हम आते हैं किसमें, यहाँ पर इन सीटू कंजर्वेशन, कि जो हमारा इन सीटू कंजर्वेशन है उस इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में कौन कौन से तरीके हैं। तो द नेक्स्ट इज द इन सीटू कंजर्वेशन, हिंदी में कहते हैं स्वा स्थाने संरक्षण। अभी जो आप पढ़ रहे थे वो यहां पर उत स्थाने संरक्षण था। ओके, तो जो हमारा स्वस्थानीय संरक्षण है उसमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं ताकि एनिमल या प्लांट कैटेगरीज को क्या किया सके, कंजर्व किया जा सके, तो हम यहाँ पर एक एक करके स्टडी करते हैं। आपको पता है कि स्वस्थानीय संरक्षण मतलब है कंजर्वेशन एट नेचुरल हैबिटेट, उसी स्थान पर अगर संरक्षित करना है तो ये यहाँ पर इसके तरीके आपको पता है। इसके लिए यहाँ पर हॉट स्पॉट यूज़ होता है, फिर यहाँ पर नेशनल पार्क यूज़ होते हैं, सेंचुरीज यूज़ होती हैं, रामसर साइट्स यूज़ होती हैं। दीज आर द वेरियस प्लेसेस वेयर द कौन सा कल्चर होगा, इन सीटू कंजर्वेशन टेक्स प्लेस। अब जो इन सीटू कंजर्वेशन में हम एक एक में आते हैं, पहले हम किस में आते हैं, हॉट स्पॉट पे आते हैं सबसे पहले। तो हमको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में हॉट स्पॉट क्या है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज द हॉट स्पॉट। नाम से आपको उसका जो जनरल अर्थ है समझ में आ रहा है, गर्म स्थल। ठीक है, लेकिन वास्तव में आप गर्म स्थल ना कहकर इसको हॉट स्पॉट कहेंगे। क्या है ये हॉट स्पॉट? बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं इन सीटू कंजर्वेशन में कि जहां पर देर इज अ रिच वैरायटी ऑफ स्पीशीज, बहुत सारी वैरायटीज हैं। ठीक है, बट जो नेचुरल हैबिटेट है बहुत तेजी से डिसलरेट कर रहा है, नेचुरल हैबिटेट का लॉस हो रहा है,
बट देर इज ए वेरी मच रिच डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीशीज कॉल्ड द हॉटस्पॉट. तो इट इज द मेगा डाइवर्सिटी जोन है इज द एरियाज ऑफ मेगा डाइवर्सिटी जोन विद रिच स्पीशीज वैरायटी. जो स्पीशीज की वैरायटीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए, एज वेल एज हाई लेवल हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म विद हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म बट कंटिन्यूअस हैबिटेट लॉस. उस स्थान पर जो हैबिटेट हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट कंटिन्यूअस हैबिटेट लॉस टेक्स प्लेस. अब एंडेमिज्म क्या है, आप एंडेमिज्म भी समझ लीजिए. ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर अपना ट्रेडिशनल लुक होता है, अपना कल्चर होता है, उस कल्चर को कोई भी क्या नहीं करता, यहां पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड द हॉट स्पॉट. तो ये जो हॉट स्पॉट है हमारे पर्टिकुलर रीजन में होते हैं, द प्लेस वेयर द स्पीशीज प्रेजेंट नॉट अदर वेयर द प्लेस वेयर द स्पीशीज प्रेजेंट विद देयर कल्चर विद ट्राइबल करेक्टर्स इन लिमिटेड प्लेस. एक विशेष स्थान पर ही ऐसी जातियां जो अपने ट्राइबल करेक्टर्स के साथ प्रेजेंट रहती हैं, दैट इज कॉल्ड द एंडेमिज्म, और ऐसी स्पीशीज कहलाती हैं यहां पर एंडेमिक स्पीशीज. एंड दोज स्पीशीज विद ट्राइबल यूनिक करेक्टर, शब्दों जोड़ दीजिए ट्राइबल यूनिक करेक्टर्स, एंड दोज स्पीशीज नोन एज एंडेमिक स्पीशीज. ठीक है, ये एंडेमिज्म हो गया. अब हम जो हॉट स्पॉट हैं यहाँ पर कि बहुत बड़े एरियाज होते हैं, हॉट स्पॉट्स कवर्स ए लॉट ऑफ एरिया एंड टोटल वर्ल्ड में जो हॉट स्पॉट है ये पुराना आंकड़ा हो सकता है, उसके हिसाब से 34 हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 34 हॉट स्पॉट प्रेजेंट इन वर्ल्ड कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 1-2% ऑफ बायोस्फीयर. पूरे जैवमंडल का 1-2% पार्ट ये लगभग कवर करते हैं. देर आर 3 हॉट स्पॉट इन इंडिया. इंडिया में भी 3 हॉट स्पॉट हैं. कौन कौन से हैं, एक तो हमारा हिमालयन रीजन है, हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयाज जिसे कहते हैं हिमालयाज. ठीक, जो दूसरा पार्ट है हमारा वो कौन सा है, इसे इंडो बर्मा क्षेत्र कहते हैं, इंडो बर्मा. और तीसरा है यहां पर वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स.
मैंने आपको जियोग्राफिकल मैप के द्वारा, इंडिया के मैप के द्वारा बताया था कि कौन कौन से हमारे इंडिया में 10 मेगा डाइवर्सिटाइल जोन बताया था आपको। तो आपने देखा था यहाँ पर कि इस ये तो जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर तो ये वेस्टर्न घाट थे, दिस इज द वेस्टर्न घाट, ठीक। तो एक ये आपका क्या है, हॉट स्पॉट है। एक एंडो बर्मा क्षेत्र है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो एंडो बर्मा क्षेत्र आपका इधर का आ गया। और तीसरा आपका हिमालयन रीजन है, ये जो आपका पार्ट है यहाँ पर, ये हिमालयन जोन, ये आपका 3 हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट में क्या होगा, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस विद हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब वहाँ जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ हैं उनका अलग अपना जो है ट्राइबल करेक्टर, ट्राइबल नेचर है, या पर्टी यूनिक करेक्टर्स हैं, वो अपने करेक्टर्स के साथ कहीं भी बाहर और जगह नहीं पाई जा रही हैं। तो पर्टिकुलर जगह पर पाई जाने वाली और बहुत ज़्यादा वैरायटी में स्पीशीज़ जहाँ पाई जाती हैं, लेकिन जहाँ पर लगातार हैबिटेट लॉस हो रहा हो, दैट प्लेस इज कॉल्ड द हॉट स्पॉट। और टोटल अर्थ पर जो है 34 हॉट स्पॉट हैं, हो सकता है बढ़ गए हों, ये पुराना आंकड़ा हो सकता है। और वर्ल्ड का कुल एरिया का 1-2% पार्ट कवर करते हैं, और इंडिया में या इंडिया से रिलेटेड 3 हॉट स्पॉट हैं। और हॉट स्पॉट का मतलब है यहाँ पर कि इस जगह पर अगर कंजर्व नहीं किया जाएगा, चूँकि कंजर्व करने के लिए हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, तो यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन दिया जाता है, ताकि हमारी जो फ्लोरा एंड फाना हैं वो यहाँ पर कंजर्व हो सके, जितनी तेजी से हमारे यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है फ्लोरा एंड फाना का, उसको रोकने के लिए जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की और इंटरनेशनल क्या बनी हुई है, यहाँ पर कमेटीज बनी हुई हैं, उन सब ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है एनवायरनमेंट को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द वेरियस फ्लोरा एंड फाना। अब इन सीटू कंजर्वेशन में हॉट स्पॉट के बाद हम नेक्स्ट प्लेस पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर रिजर्व। आपने नाम सुना होगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए ये भी इन सीटू कंजर्वेशन का एक पार्ट है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है जैव मंडल। तो आप देखिए बहुत बड़े, चूंकि यहाँ पर क्या होता है, मेगा डाइवर्सिटाइल जोन तो होता ही होता है, इसके अलावा यहाँ पर ए लॉट एरिया, इट इज आल्सो ए मेगा डाइवर्सिटाइल जोन विच कंटेन्स ए लॉट एरिया, ए लॉट ऑफ एरिया टू कंजर्व फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा और फाना को कंजर्व करने के लिए मेगा डाइवर्सिटाइल जोन है, बहुत बड़ा क्या होता है, एरिया होता है। इसके अलावा यहाँ पर नेचुरल बायोम है, जहाँ पर यूनिक बायो कम्युनिटी होती है, इट इज़ ए क्या है, नेचुरल बायोम, नेचुरल बायोम कंटेन
यूनिक बायो कम्युनिटी। इट इज़ ए नेचुरल बायोम है जिसमें यूनिक बायो कम्युनिटी होती है, और यूनिक बायो जो कम्युनिटी होती है क्रिएटेड अंडर मैप एंड यूनेस्को, या क्रिएटेड या एस्टेब्लिश्ड अंडर मैप। मैप जानते हैं क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनेस्को, उसने एक प्रोग्राम चलाया मैन एंड बायोस्फीयर। उस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत ये एक नेचुरल बायोम है जिसमें जो बायो कम्युनिटीज़ हैं, जो यहाँ पर स्पीशीज़ हैं, वो बिल्कुल स्पेशल होती हैं और बहुत ज़्यादा एजुकेशन, रिसर्च और जेनेटिकल रिसोर्सेज में एंड इज इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च एजुकेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। रिसर्च में, एजुकेशन में, नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में और जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए ऐसा नेचुरल बायोम जिसके यूनिक बायो कम्युनिटीज़ होती हैं और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को के अंतर्गत जो चलाया हुआ है उसके अंतर्गत काम करता है, दैट प्लेस इज कॉल्ड द बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से तीन जोन होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कंटेन्स थ्री जोन्स, सॉरी These are the three zones. This is the core zone. Core zone. Core zone is also called the innermost zone. Innermost zone. This is called the buffer zone. आपको पता है जो अंदर का core zone है तो उसके बाहर का क्या होगा? Buffer zone होगा, और उसके बाहर का क्या होगा? Manipulation zone होगा. This is the buffer zone and this is the manipulation zone. ठीक है, तो कोर जोन हो गया, बफर जोन हो गया और मैनिपुलेशन जोन हो गया। कोर जोन को नेचुरल जोन भी कहते हैं, इसको ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। इट इज़ द नेचुरल जोन, इट इज़ द ट्रांजिशन जोन। अब आप देखिए ये कौन सा है, मिडिल जोन है, मिडिल जोन। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर कि जो हमारा कोर जोन है, इनर मोस्ट जोन, तो कोर जोन में यहाँ पर स्ट्रिक्टली रिजर्व होता है, किसी भी तरह का यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। तो लीगली प्रोटेक्टेड, कंप्लीटली अनडिस्टर्ब है, इट इज द कोर जोन,
इट इज द लीगली प्रोटेक्टेड एंड अनडिस्टर्ब्ड एरिया, अनडिस्टर्ब्ड एरिया फ्रॉम, किसकी तरफ से अनडिस्टर्ब होता है, किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये कोर जोन हो गया, जो हमारा बफर जोन होता है ये मिडिल जोन है, लेकिन इस बफर जोन में हम यहां पर एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक्टिविटी हो सकती है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड ओनली फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन, केवल रिसर्च और एजुकेशन के लिए अगर है। थर्ड है यहां पर मैनिपुलेशन जोन, ये जो हमारा मैनिपुलेशन जोन है ये आउटर जोन है, इसको ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। तो यहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है ग्रेजिंग के लिए, तो यहां पर लार्ज नंबर ह्यूमन एक्टिविटी होती है, ह्यूमन एक्टिविटी या यहां कह सकते हैं लार्ज ह्यूमन एक्टिविटी लाइक, क्या क्या हो सकता है यहां पर, ग्रेजिंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है, कल्टीवेशन। तो ग्रेजिंग हो सकती है, हार्वेस्टिंग हो सकती है, कल्टीवेशन हो सकता है यहाँ पर, और इसके अलावा फॉरेस्ट्री है, रिक्रिएशन है, नेचर प्रोडक्ट है, वो सब हो सकता है। एंड ट्राइबल्स पॉपुलेशन विद देयर लिव स्टॉक आर परमिटेड। कल्टीवेशन टिम्बर यील्डिंग भी हो सकता है, टिम्बर यील्डिंग। तो आप देख रहे हैं जो बाहरी जोन है ह्यूमन एक्टिविटी लार्ज स्केल में हो सकती है, ग्रेजिंग हो सकता है, हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन, टिम्बर यील्डिंग, ट्राइबल पॉपुलेशन अपने लिव स्टॉक के साथ भी क्या कर सकती है, रह सकती है। तो दिस इज द बायोस्फीयर रिजर्व। अब बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं, उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हैं। तो यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो 1971 में बनाए गए थे, और अप्रॉक्सीमेटली 410 बायोस्फीयर रिजर्व, ये पुराना आंकड़ा है, हो सकता है संख्या बढ़ गई हो, आर इन द वर्ल्ड इन विच 15 आर इन इंडिया, इनमें से 15 कहाँ हैं, इंडिया में हैं। अब कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर आपको नाम बता दे रहा हूँ, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसके आपको नाम पता होना चाहिए, कि जो सबसे पहला इंडिया का था वो था नीलगिरी, नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक। अब जो पहला यहां पर नीलगिरी है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आप देखेंगे कि जो नीलगिरी है यहां पर वो 1986 में बना था, और वो कर्नाटक केरल तमिलनाडु को कवर करता है, एस्टैब्लिश्ड इन 1986 एंड कवर्स 3 स्टेट्स, केरल, कर्नाटक एंड
तमिलनाडु। क्या क्या इंपॉर्टेंस है केरल कर्नाटक और तमिलनाडु को ये कवर कर रहा था? तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए, ग्रेजिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, टिम्बर यील्डिंग के लिए, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, हर काम के लिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा और भी जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहां पर इंडिया के, हम उनका नाम लिख रहे हैं एक एक करके। देखिएगा आप यहां पर पूरे, पहला आपका कौन सा हो गया, नीलगिरी हो गया, दूसरा यहां पर हो गया रन ऑफ कच्छ। कच्छ की खाड़ी आपको पता है कहां पर है, तो जो रन ऑफ कच्छ है हमारा वो गुजरात में है, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इज द गुजरात। ठीक, इसके बाद रन ऑफ कच्छ के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है यहां पर नोकरेक मेघालय में। नोकरेक इट बिलोंग्स टू मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो आता है यहां पर वो नोकरेक है। नोकरेक के अलावा नंदा देवी है, उत्तराखंड है, अंडमान है, नंदा देवी, फूलों की घाटी भी इसको कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड फिर एक उत्तराखंड के नाम से ही है, ये उत्तराखंड के नाम से है। फिर इसके बाद एक अंडमान के नाम से है, अंडमान आपको पता है संघ शासित प्रदेश है यहाँ पर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप सबने नाम सुना हुआ है अंडमान का, तो अंडमान है, निकोबार है, सुंदरबन है, अंडमान निकोबार आइसलैंड्स हैं ये, काजीरंगा कहाँ पर है, ये आसाम में है। वर्ल्ड फेमस है काजीरंगा, क्यों फेमस है, यहाँ के वन हॉर्न राइनोसेरॉस जो गैंडा है, एक सींग वाला गैंडा है, यहाँ पाया जाता है और पूरे वर्ल्ड से लोग इसको देखने आते हैं। सुंदरबन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो आप देख रहे हैं नीलगिरी, रन ऑफ कच्छ, नोकरेक, नंदा देवी, उत्तराखंड, अंडमान, निकोबार, काजीरंगा, सुंदरबन, फिर से गल्फ ऑफ मन्नार है, कान्हा है, मानस है, मानस ये भी आसाम में है, फिर एक गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी आपने नाम सुना होगा, गल्फ ऑफ मन्नार। बताइए मन्नार की खाड़ी क्यों फेमस है और कहाँ आपने नाम सुना है, तमिलनाडु में है और बहुत फेमस है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कान्हा के नाम से है, एक नेशनल पार्क भी है, एक अभी हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे हैं कान्हा के नाम से, कहाँ पर है ये, एमपी में है। ठीक है, तो सुंदरबन हो गया, मानस हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, कान्हा हो गया। फिर इसके बाद एक है थार डेजर्ट, आपने नाम सुना होगा थार, थार डेजर्ट कहाँ पर है, राजस्थान में है, वर्ल्ड फेमस है, आप सबने नाम सुना ही होगा। फिर इसके बाद एक है सिमली पाल, सिमली पाल उड़ीसा में है, एक नमदफा नाम सुना होगा यहां पर आंध्र प्रदेश में है, बहुत फेमस है नमदफा। आंध्र प्रदेश, दीज आर द वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द इंडिया, नीलगिरी, रन ऑफ कच्छ, नोकरेक। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया का काफ़ी बड़ा पार्ट कवर किया है,
नीलगिरी में यहाँ पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु आ जाते हैं जिसको कवर किया हुआ है। रन ऑफ कच्छ में क्या आ जाता है, यहाँ पर गुजरात है। गुजरात की जो कच्छ की खाड़ी है बहुत फेमस है, वहाँ पर भी बहुत सारा क्या है, मेगा डाइवर्सिटाइज जोन है, बहुत सारी एनिमल प्लांट की फ्लोरा फाना की स्पीशीज़ हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। तो बायोस्फीयर रिजर्व को तीन एरिया में जो कोर, बफर और मैनिपुलेशन में बांट देते हैं। इसके कारण से क्या है कि वहाँ का जो प्लेस है या जो लोकल की जो वैरायटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं, वो भी सर्वाइव करती हैं। भाई इतना बड़ा एरिया देश में नहीं है कि हम पूरे क्षेत्र को विस्थापित कर दें और उसकी या पूरी तरह से कंजर्व कर दें कुछ ही स्पीशीज़ के लिए, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि कोर जोन को यहाँ पर बिल्कुल क्या रखा है, इनर मोस्ट जोन को अनडिस्टर्ब रखा है। बफर जोन में रिसर्च और केवल एजुकेशन के लिए है, और जो कोर जोन है मैनिपुलेशन जोन, यहाँ पर आबादी भी रह सकती है, कल्टीवेशन कर सकते हैं, ग्रेजिंग करा सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, टिम्बर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, फूड फॉडर प्राप्त कर सकते हैं, मेडिसिन प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब इकोसिस्टम को भी मेंटेन कर रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों को रहने के लिए स्पेस भी मिल रहा है। इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। फिर यहाँ पर उत्तराखंड, नंदा देवी आपने देख लिया उत्तराखंड में, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, काजीरंगा आसाम में फेमस है, आपको पता है एक सींग वाले गैंडे के लिए, सुंदरबन यहाँ पर दलदली क्षेत्र के मार्श एरियाज के लिए जाना जाता है, मानस भी आसाम में है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, कान्हा किसली एमपी में है, थार डेजर्ट राजस्थान में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और नमदफा आंध्र प्रदेश में है। अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस देखें बायोस्फीयर रिजर्व की, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, यूजफुल इन रिसर्च एंड एजुकेशन, कंजर्वेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्स भी यहाँ पर कंजर्व है, इम्पॉर्टेंट फ्लोरा फाना भी है, और रिसर्च और ट्रेनिंग में भी हेल्पफुल है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में अभी क्या रह गया है, इसमें अभी आपका नेशनल पार्क रह गया है, सेंचुरीज रह गई हैं, टाइगर रिजर्व रह गए हैं और रामसर साइट्स रह गए हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने क्या क्या वर्क किया है ताकि हम अपने नेचुरल हैबिटेट को या बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकें, कंजर्व रख सकें, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी थोड़ा समय है, आप देख सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व के बाद हम अभी आएंगे नेशनल पार्क में। तो नेशनल पार्क को मैं थोड़ा सा ओरली आज आपको बता देता हूँ, अभी जो है इसके बाद नेशनल पार्क के बाद सेंचुरीज लेंगे, कि जो नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पर जो रिजर्व हो रहा है वो एनिमल और प्लांट्स के लिए बायोस्फीयर में दोनों को रिजर्व कर रहे हैं, जबकि जो हम नेशनल पार्क करते हैं वो भी फ्लोरा फाना के लिए है, जबकि जो सेंचुरीज होती हैं वो केवल फाना के लिए। तो नेशनल पार्क भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या होते हैं, इस्टेब्लिश्ड होते हैं, और उसमें जो उसकी देखरेख होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत राज्य सरकार करती है। जो सेंचुरीज होती हैं उसको शरण स्थली बोलते हैं। सेंचुरीज आर इस्टेब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली फॉर द फाना, केवल एनिमल्स के लिए। तो जब आप नेशनल पार्क पढ़ेंगे, नेशनल पार्क के बाद सेंचुरीज पढ़ेंगे कि अपने इंडिया में कौन कौन सी फेमस सेंचुरीज़ हैं इंडिया और वर्ल्ड में, इसी तरह से नेशनल पार्क है कि अपने वर्ल्ड में और इंडिया में कौन कौन सा फेमस नेशनल पार्क है। इसके अलावा एक जगह और आएगी रामसर साइट्स,
तो एक जगह यहाँ पर रामसर जो कन्वेंशन है वो अफगानिस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है, रामसर साइट्स, अभी हम उसकी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद रामसर साइट्स के बाद ऐसे कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाएं लोगों को जागरूक करके, ताकि हमारा बायोडायवर्सिटी कंजर्व रहे, क्योंकि इसके संरक्षण का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो किस पर है, ह्यूमन बीइंग्स पर है, क्योंकि यहाँ पर एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ब्रिलियंट माना गया है ना, थिंकिंग की, इमेजिनेशन की, इन सब की जो पावर है वो किसके अंदर है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है। तो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना मनुष्य जाति के सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा था किस तरह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई थी, ऑक्सीजन की क्राइसिस हो गई थी। तो क्यों? क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमने बहुत ज़्यादा क्या किया, मिसयूज़ किया है, जरूरत से ज़्यादा उस पर डिपेंड हो गए हैं, हमने उसका मिसयूज़ किया है, उसके कारण से हमको यहाँ ऑक्सीजन की क्राइसिस अभी देखनी पड़ी। तो किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का इंटरेक्शन बना रहे, दोनों क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बेनिफिट ले सकें फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो प्रेजेंट के साथ साथ जब फ्यूचर जनरेशन को सोच करके हम इसने सारे स्टेप्स उठा रहे हैं, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका लाभ ले सकें और पृथ्वी पर क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वाले पीरियड में लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।